सदा सेक्सुअली फिट रहने के 6 नियम आज बताने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त न्यू महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हर व्यक्ति चाहता है कि भाई मैं जीवन के आखिरी तक मेरा सेक्स लाइफ अच्छा एंजॉय कर सकूँ। हमारे कल्चर में ऐसा है कि नहीं नहीं 50 हो गए अब तो बूढ़े हो गए। औरतें भी ऐसी बोलती है, नहीं नहीं अभी महामारी ख़त्म हो गई अब तो क्या ये क्या दिन रहे क्या। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जीवन के आखिरी दिन तक भी सेक्स एंजॉय कर सकते हैं। आप मन से और शरीर से भी जवान रहे तो डेफिनेटली आप आखिरी दिन तक सेक्स एंजॉय कर सकेंगे। तो मन से और तन से दोनों से हमको यदि जवान रहना है और अपना सेक्स लाइफ एंजॉय करना है तो ये 6 नियम बांध लो। नंबर 1, आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होना चाहिए। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होना चाहिए इसका मतलब यह है कि हमारे ब्रेन में जो सूजन आती है, इन्फ्लेमेशन होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स जो है वो साफ करने में हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स कम होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि हमको कम करना है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम, क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ गया तो क्या होता है, डोपामिन और सेरोटोनिन के लेवल्स कम हो जाते हैं, वहाँ से आपको सेक्स का प्रॉब्लम चालू हो जाएगा। सेक्स हॉर्मोन्स के लेवल कम हो जाएंगी, सेक्स का प्रॉब्लम चालू हो जाएगा। इसलिए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करना है तो हरदम आपने देखना है कि भाई 16 घंटे का उपवास आप करो। फिर नेक्स्ट, संतरा, नींबू, आंवला जो विटामिन सी से भरपूर है जितना ले सकते हो उतना लो। ग्रीन टी रेगुलरली लो और अर्दिंग जो मैंने अलग वीडियो में बोला हुआ है, अर्दिंग मतलब जमीन को अपनी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा समय तक टच करना, वहाँ से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है वो करना। तो ये आप कर दे तो डेफिनेटली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाएगा और आपका सेक्स लाइफ बहुत पावरफुल हो जाएगा। नंबर 2, आपने तनाव कम करना है, मेंटल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस कम करने के लिए आपने बहुत ही बेहतरीन आपको उपाय बताता हूँ कि आपको सभी इनपुट्स बंद करने के, सब इनपुट आप हफ्ते में एक बार बंद करते हो उसको बोलते हैं बी विथ योर सेल्फ डेज, BWY डेज। BWY मतलब बी विथ योर सेल्फ डेज, आप अपने साथ में रहो। हफ्ते में एक दिन आप निकालते हो, मैं उसको बोलता हूँ कि बंकर डिस्टिंक्शन, बंकर में जाके बैठना है। बंकर में क्या होता है, बंकर मतलब जमीन के नीचे रहता है, तो बंकर डिस्टिंक्शन क्या है, जमीन के नीचे चले जाओ जहाँ आपका संबंध किसी से आने वाला नहीं है, वहाँ ना मोबाइल है ना टीवी है ना बाकी कोई एंटरटेनमेंट है ना लोग है, और आप अपने साथ में बैठे हो, रिलैक्स होके अपने अंदर ढाक के देख रहे हो कि मैं हूँ कौन, मेरा जीने का मकसद क्या है, पर्पस क्या है, ये देखते हैं आप। और जस्ट आप आपके साथ में रहते हो बहुत फ्रेश हो जाएगी। एक दिन आप रहते हैं ना अंदर तो 24 घंटे के बाद में आपको बहुत प्रसन्नता मिलेगी, आपको एकदम बहुत ऊर्जा आएगी, एनर्जी आ जाएगी। नंबर 3, आपका यदि हार्ट रेट आप 60 और 64 अप्रॉक्सीमेटली ये लेवल में रखते हैं तो डेफिनेटली आप फिजिकली बहुत स्ट्रांग और अच्छे रहेंगे। 60 और 64 के बीच में मतलब जिनके हार्ट रेट कम होते हैं वो ज़्यादा दिन तक जीते हैं और वो फिट भी रहते हैं, ये स्टडीज़ में पाया गया है। हार्ट रेट जितना ज़्यादा है, जितना आप हार्ट को ज़्यादा काम करने लगाएंगे उतनी ज़्यादा मतलब उतना प्रॉब्लम आपको आपके लाइफ में आएगा। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए स्पोर्ट्स खेल खेलो ताकि उस समय बहुत ज़्यादा हार्ट चलेगा और बाद में फिर रेस्ट, हार्ट रेट अच्छा कम हो जाएगा। साइकिलिंग करना, चलना, ब्रिस्क वॉकिंग, फास्ट वॉकिंग करने का है, फिर तैरना, उठक बैठक करना, सूर्य नमस्कार निकालना, सब ये करते हैं तो आपको वो 40 मिनट तक बहुत ज़्यादा हार्ट रेट बढ़ेगा और बाद में रेस्टिंग हार्ट रेट जो है वो कम हो जाएगा। उसके साथ साथ तंबाकू और शराब का सेवन आप बंद कर दे तो बहुत बढ़िया है। नंबर 4, गहरी सांसें लेना और उसकी प्रैक्टिस करना। मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, मेडिटेशन में अपने श्वास नलिका से, नासिका से जो सांस अंदर जा रहे हैं उसको देखते हैं, बाहर जा रहे हैं उसको देखते हैं, आनापान की प्रक्रिया करते हैं और उसमें बहुत अच्छा रिलैक्सेशन मिलता है। तो एक तो रिलैक्सेशन मेडिटेशन में करो, आप सेल्फ हिप्नोसिस सीखते हो, खुद को रिलैक्स करते हो तो उसमें बहुत आपको अच्छा लगेगा। उसमें गहरी सांसें लेना छोड़ना, लेना छोड़ना ये प्रैक्टिस आप करते हैं तो आपको बहुत एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक लगेगा और आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत जवान हो गए, क्योंकि आपका मतलब जैसा जो टॉक्सिन से सब निकल जाएंगे, आपकी बॉडी अंदर से साफ हो जाएगी। नंबर 5, आपको होना चाहिए पर्पस लाइफ का। पर्पस जो है कि कुछ तो भी हमको करना है, ज़िंदगी में करना है,
लाइफ में मुझे करना है, लाइफ में गोल है, एक पर्पस है जिसके लिए मैं जी रहा हूँ। ऐसा नहीं कि भाई जानवर जैसा खाना पीना और सोना, खाना पीना उठना फिर सोना फिर खाना पीना सोना, काम पे जाना पैसे कमाना फिर खाना पीना सोना, ये क्या जिंदगी है? जो लोगों को पर्पस रहता है, एक उद्देश्य रहता है और वो उद्देश्य से काम करते हैं, उनको बहुत अच्छा हैप्पीनेस आता है। और जितना ज़्यादा हैप्पीनेस रहा उतना आपका सेक्स लाइफ पावरफुल होता है। खुश रहो, सदा खुश रहो। इसमें आपको हैप्पीनेस और हैप्पी रखने के लिए म्यूज़िक है। आप लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं, बगीचे में मतलब गार्डनिंग कर सकते हैं, खेल खेल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं कि जिसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको आपका पैशन जो है, तो जो पैशन में काम करो उसको अपना अर्निंग सोर्स बनाओ, कोई हॉबी डेवलप करो, इंटरेस्ट डेवलप करो, देखो कैसी लाइफ मस्त चलेगी और आपका परफॉर्मेंस, आपका स्टेमिना बहुत अच्छा बढ़ेगा। नंबर 6, खाना कम, ऑटोफेजी। ऑटोफेजी से सेक्स हार्मोन्स बढ़ते हैं, ऑटोफेजी से डोपामिन सेरोटोनिन के लेवल्स बढ़ते हैं, ऑटोफेजी से ब्रेन बहुत एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक रहता है। ऑटोफेजी मतलब क्या है? ऑटोफेजी मतलब कम से कम 16 घंटे का रोज उपवास करना, सिर्फ 8 घंटे की विंडो, और वो यदि 20 घंटे करते हैं तो सोने पे सुहागा। 20 घंटे ऑटोफेजी करते हैं ना, देख लो क्या जादू हो जाएगा। 20 घंटे की ऑटोफेजी मतलब 4 ही घंटे खाना खाना है, जो भी कुछ खाना है वो 4 घंटे में खाना है, और जो भी खाते हैं उसमें ज़्यादा फल, बहुत ज़्यादा सब्जियाँ, और जब खाना खाते हैं तब 80% ही खाना खाना है, पूरा पेट भर के खाना, दबा के खाना खाने का नहीं है। तो आप करते हैं सभी, देखिए कितना फ़र्क होता है। आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा आपको कितना फ़ायदा हो गया, सेक्स लाइफ आपका कितना अच्छा हो गया, आपके पार्टनर ने आपको क्या बोला। मैं जरूर पढ़ूंगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।